चल भाई। तो गोल्डन रूल ओके ना, स्टडी अदर डे बिफोर स्टडी बिगिन पर्सनल अकाउंट का पहला बराबर। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रहा, डेबिट द रिसीवर पे द गिवर। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, लेट्स से बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम लोग पैसे कहीं में डिपॉजिट कर रहे हैं, सुने हो डिपॉजिट वर्ड? यस सर। क्या करते हो वहाँ पे जाके, तब फेंक के आ जाते वहाँ पे ऑफिसर रहता है ना, काउंटर पे बैठा हुआ, ओके आपका पावती देता है, पैसे थप्पा मारता है, फिर स्लिप आपको देता है, राइट ना, पैसे देता आपको, पैसे रख लेता हो, दैट इज अवर रिसीवर। सर वो आज भी रिसीव किया ना, बैंक ने कहा रिसीव किया, ऑल दो आज दिन रिसीव किया, क्योंकि आज भी किसके कहाँ पे काम कर रहा है, उस बैंक के लिए काम कर रहा है ना, काम तो समझेंगे किसको, आदमी को दिया पैसा कि बैंक वाले को दिया, बैंक को दिया, तो बैंक इज अ रिसीवर। इससे देना बैंक का, तो देना बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है ना। और मान लो कुमकुम ने जमा किया वजह, तो कुमकुम ने जगह और कुमकुम पर्सन है, नाम है, इसका अकाउंट क्या करूँगा, क्रेडिट। हाँ मैंने आपको वो डेबिट जा रहा था, मैं बोला था मैं मोबाइल में चेक करने का डेबिट क्रेडिट वर्ड, कौन चेक किया, कोई नहीं, कल अगर चेक करके नहीं आया ना, माफ कर सर झंडे के लिए, मतलब हमेशा का विड्रॉ ही करती है, जमा नहीं करती है, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, सो व्हाट डेबिट क्या आता है, ऐसा नहीं वो व्हाट वर्ड बीच में है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क है, ओके ना, मींस व्हाट इज कमिंग इन, जो भी आपके पास आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखने वाले। डेबिट व्हाट कम्स इन मींस इफ समथिंग कम्स इन, अगर आपके पास आ रहा है तो दैट विल दैट अकाउंट विल बी डेबिटेड। मान लो सब आपको को किसी ने कैश दिया, तो आपके पास कैश आ रहा है ना, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट। हम पैसे बैंक में जमा कर रहे थे, अपने पास से तो कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अपने पास से कैश जा रहा है। कुछ प्रॉपर्टी आपने खरीदा, जमीन खरीदा, तो जमीन आ रहा अपने पास, तो लाइन अकाउंट डेबिट। जमीन खरीदा तो पैसे देना पड़ेगा, तो पैसे आ रहा ही जा रहा है, क्या रहा है, कैश गोज आउट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल नॉमिनल पर्सनल कैश, रियल कैश रियल अकाउंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी ना अपना कैश, ओके तो कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का प्रॉपर्टी असेट्स अगर वो आपके पास आ रहा है, सो वी विल पुट ऑन द डेबिट साइड। इफ गोइंग आउट, वी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। आपने मशीन खरीदा, मशीन परचेज, मशीन खरीदा मतलब मशीन आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मशीन कौन सा अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल रियल अकाउंट है, तो मशीन आ रहा है अपने पास, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन डेबिट चलेगी। घर में जूना फर्नीचर पड़ा हुआ था, कुर्सी वर्सी टूटा फूटा था, तो आपने क्या किया, उसको बेच दिया, तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो क्या करें, फर्नीचर को क्रेडिट करें, ऐसा, ठीक है। तो अगर वो पर्टिकुलर जो आइटम है, अगर लगा देखने पहले कौन सा आएगा आइटम, वो पर्सनल में आता है कि रियल में आता है कि नॉर्मल, आपको लगा कि रियल में आता है, फिर रियल का रूल अप्लाई करो। अगर पर्टिकुलर आइटम है, लगा कि वो पर्सनल का है, तो उस पर रूल पर्सनल का लगा दिया, ओके ना। सूरज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, पर्सनल है सूरज, तो पर्सनल है, इसके बाद इस पर पर्सनल रूल लगाएंगे हम लोग, कौन सा, डेबिट द रिसीवर। अब चेक करना पड़ा सूरज रिसीवर है कि गिवर है, अगर सूरज रिसीवर रहेगा तो सूरज को डेबिट कार्ड फेंक देगा, अगर गिवर रहेगा तो सूरज को क्रेडिट कार्ड फेंक देगा। एक्सप्लेनेशन, इफ एनी असेट्स और प्रॉपर्टी और एनी आइटम ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बहुत सारे आइटम अपने पास है ना, बहुत सारे आइटम रियल अकाउंट का, सो एनी असेट्स प्रॉपर्टी और एनी आइटम ऑफ रियल अकाउंट कम्स इन आपके पास आ रहा है, विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, तो उसको हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड, ओके।
any item comes in, that will record on the debit side. Rubber. And if any assets of property or any item of real account goes outside मतलब बाहर जा रहा है, तो that will be recorded on the credit side. समझ में क्या बोल रहा हूँ? If any assets, property or any item of real account, कोई भी assets हो, property हो और real account का कोई भी item हो, अगर वो आपके पास आ रहा है, comes in मतलब आपके पास आ रहा है, that will be recorded on debit side. अगर वो आइटम अपने पास से गोइंग आउटसाइड, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये पेन खरीदा तो पेन मेरे लिए असेट है ना भाई, ठीक है? तो मैं कोई भी चीज़ जो मेरे काम का वही मेरे लिए असेट है, तो पेन मैं परचेस कर रहा हूँ तो क्या करूँ, पेन को डेबिट की खरीद डेबिट, क्योंकि वो आ रहा है. अगर मैं पेन सोल्ड कर रहा हूँ तो, ओके, किसी ने तो कैश दे, बोल उसमें फीस दी भी जाती, कैश आया मेरे पास, क्या करूँ, डेबिट जाए. कौन दिया फीस? लक्ष्मी ना, लक्ष्मी को कहाँ डालेंगे, क्यों? तो उसका पैसा जा रहा है. और लक्ष्मी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल. तो उस पर रियल अकाउंट लगा करूँ, लगाऊंगी पर्सनल का, पर्सनल का. वेरी गुड क्वेश्चन आया. सबसे पहले तो अपने को माइंड में देखना है कि वेदर इट इज अ रियल अकाउंट और पर्सनल और नॉमिनल, पहले चेक करने का. अब मैंने बोला कैश, कैश पे कौन सा अगला प्लस हो जाएगा, रियल का सोचने का. कैश इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट, तो वी विल थिंक अबाउट जस्ट लाइक अ रियल अकाउंट. सो सी पेड द मनी, तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड. हु पेड दिस कैश? लक्ष्मी पेड. सो लक्ष्मी इज व्हाट, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल. तो लक्ष्मी जो गिवर की रिसीवर, गिवर. तो गिवर क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट का गिवर. तन्नाल में क्या बोल रहा हूँ मैं, इस तरह सोचना पड़ेगा. तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इट मींस एनी आइटम इज कमिंग इन, इट विल बी डेबिटेड. एनी आइटम गोइंग आउट, क्रेडिटेड. बराबर है? ओके, प्लीज करो, इसको पॉज कर दो, कर पाएगी. चलो मैं नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट. अब नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल एक्सपेंस एंड ऑल इनकम प्रॉपर्टी सब आता है. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. अगर कोई भी आपका एक्सपेंस हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, वो आइटम कहाँ लिख लिया, डेबिट साइड. कोई भी आपका खर्च है ना, हाँ, और आपको लग रहा है कि मेरा लॉस हो गया, इसका तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड. तो एक खर्च है, उसका अपोजिट क्या है, इनकम. एंड लॉस का अपोजिट प्रॉफिट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट, गेन मतलब प्रॉफिट. एक प्रोवर्ब है ना, नो पेन नो गेन, बिना तकलीफ से कुछ चिंता नहीं समझा रहे. तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, इफ एनी ऑल एक्सपेंस और लॉस आपका होता है उसको डेबिट साइड डालो, और अगर आपका इनकम और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट. ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स एज अ प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. आप टेलीफोन बिल भर रहे हो, आप टेलीफोन बिल भर रहे हो, तो आपके लिए इनकम एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो टेलीफोन बिल आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड, डेबिट साइड. ओके, लाइट बिल भर रहे हो तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड. लाइट बिल भर रहे हो आपके लिए एक्सपेंस है, अडानी कंपनी के लिए इनकम है, तो लोग कहाँ लिखेंगे इसको, डेबिट साइड. आप टेलीफोन बिल भर रहे हो और जियो का मोबाइल कार्ड लिए, तो आपको खर्चा है एक्सपेंस, लेकिन जियो कंपनी वाले लिखते हैं प्रॉफिट है, इनकम है, तो लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट. आपने मुझे फीस दिया तो आपके लिए फीस खर्च है, तो आप कहाँ डालोगे, डेबिट साइड. तो फिर एक्सपेंस है ना, डेबिट साइड. मेरी लोग फीस, मेरे लिए इनकम है, तो मैं कहाँ लिखूँगा, क्रेडिट. डबल आस्पेक्ट. आप बोले मेरे को चूना लग गया, लॉस हो गया, तो आप डेबिट साइड लिखोगे.
आप जितना जोर से पटकोगे उतना जोर से सामने वाला उछलेगा, मेरा प्रॉफिट हो गया। तो काम किया ओके। सो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर कोई भी आपका एक्सपेंस लॉस हो रहा है दैट विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और अगर वो आपका इनकम एंड गेन्स, गेन मतलब प्रॉफिट होता है तो रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। बात क्या है, ये क्या था, गोल्डन रूल है ठीक है ना। जैसे श्रीमद भगवद गीता बाइबल का सार होता है, सार मतलब मेन उसके अंदर जो भी पॉइंट है, वैसे अकाउंट का तीन मेन बेसिक है, इसके ऊपर ही सारा अकाउंट चलेगा ठीक है। एक बार रिक्वेस्ट उसको बोला ये देखिए, ई वाला बटन है पाउज।